यार आज ना मुझे लेट नाइट ट्रैवल करना है। कैब वाले भैया के साथ कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? मैं लोकेशन पे तो टाइम पे पहुंच जाऊंगी ना? सेफ्टी का कोई कंसर्न हुआ तो? अगर आप एक फीमेल हैं और कैब बुकिंग करते समय आपके भी दिमाग में ऐसे ही सब सवाल आते हैं, तो अब समय आ गया है इन सवालों को बाय बाय कहने का। क्यों और कैसे, चलिए हम बताते हैं। दरअसल होंडा ITDR, NSDC और कॉडमैन स्किल्स ने मिलकर जॉइंट इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है स्त्री सारथी। इस इनिशिएटिव में वुमेन्स को ड्राइविंग सिखाई जा रही है, यानी कि कैब ट्रेनिंग सिखाई जा रही है। यानी अब जब आप कैब बुक करेंगे तो आपको एक फीमेल ड्राइवर आपके पिकअप लोकेशन से ड्रॉप लोकेशन पर ड्रॉप करे, इसके फुल 2 चांसेस हो सकते हैं। ये ट्रेनिंग होंडा के इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च ITDR करनाल में हुई। 5 दिन के प्रोग्राम में रोड सेफ्टी थ्योरी स्टिमुलेटर्स के साथ साथ ड्राइविंग की प्रैक्टिकल नॉलेज दी गई। पहले बैच में कुल 18 महिलाएं स्त्री सारथी का हिस्सा बनी। बता दें, होंडा ने 250 महिलाओं को कार ड्राइविंग में परफेक्ट बनाने का टारगेट रखा है। इस बारे में ITDR करनाल के वाइस प्रेसिडेंट विनय ढींगरा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। होंडा को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की, जैसे ये अभी एक बैच हमने ब्लू स्मार्ट का किया है, अभी इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया ब्लू स्मार्ट के ड्राइवर्स को ट्रेन करने के लिए हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया है। फर्स्ट बैच जो रहेगा 250 का रहेगा। उस फर्स्ट 250 के बैच में से पहला बैच था ये 18 फीमेल्स का जो अभी पूरा हुआ है। इसमें 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई है, एक्सटेंसिव 40 आवर्स की ट्रेनिंग। इसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल सेशंस, सिमुलेटर्स, रोड सेफ्टी, सारी चीज़ें अच्छी तरह से बताई जाती हैं। फिर जब ड्राइवर यहाँ से बाहर जाके ड्राइविंग करना शुरू करे, वो बहुत कॉन्फिडेंट हो, रोड सेफ्टी की पूरी जानकारी हो। अक्सर अगर कोई फीमेल अकेले ट्रैवल करती है तो सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न होता है। ऐसे में ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी फीमेल ड्राइवर्स को कैब ड्राइविंग के साथ रोजगार देगा, जिससे विमेन सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा सकता है। इस पर ITDR के वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कहा, सुनिए। फीमेल सेफ्टी की अगर बात करें, नॉर्मल एक माइंडसेट रहता है कि कहीं से लेट लेट नाइट अगर आप आ रहे हैं ना, और कैब ड्राइवर मेल है तो नॉर्मली फीमेल्स हेजिटेट। और आई विल अप्रिशिएट ब्लू स्मार्ट इन दिस। इनफैक्ट ये जो एक लेके आए हैं अपना इनिशिएटिव है फीमेल कैब ड्राइवर्स, आई थिंक फीमेल ओवरऑल सेफ्टी को ही हेल्प करने वाला है। और क्योंकि फीमेल कैब ड्राइवर, फीमेल पैसेंजर्स, तो नेक्स्ट लेवल सेफ्टी हो जाएगी और डेफिनेटली पुलिस भी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से। फीमेल ड्राइविंग सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय रहती है। राइट साइड का इंडिकेटर देने के बाद कार को लेफ्ट की तरफ घुमाने पर लोग पलक झपकते एक ही बात कहते हैं, अरे कार लड़की चला रही होगी। ITDR करनाल के वाइस प्रेसिडेंट जनता की सोच के बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। ये जो एक मिथ है या सोच है कि लड़कियां अच्छी ड्राइविंग नहीं करती, आई थिंक गलत है ये। और एक्चुअल रियलिटी देखें और इस बैच का जो एक्चुअल कॉन्फिडेंस देखें हम लोग, जो हम लोगों ने इनके ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो पैशन देखा इनका, कहीं से ऐसा फील नहीं होता, बल्कि ज्यादा ये फील होता है कि ये ज्यादा बेटर ड्राइविंग कर सकती है। रोड पे जो इनफैक्ट लोग ओवर कॉन्फिडेंट होके वो बहुत गलतियां कर रहे होते हैं, आई थिंक फीमेल्स बहुत केयरफुली ड्राइव करने वाली है। इस बैच के साथ ये वाली सोच आई थिंक बदल जाएगी बहुत जल्दी। ये सोशल मीडिया जोक आई थिंक बिल्कुल बंद हो जाएगा ये, और अब देखें कितना कॉन्फिडेंस है फीमेल्स ड्राइव करने वाली। स्त्री सारथी का हिस्सा बनने वाली कुछ महिलाओं से लोकलिटी ने खास बातचीत की। इन्हीं में से एक स्वाति ने कहा कि मैंने यहां 5 दिनों में जो सीखा वो मैं 3 महीनों में भी नहीं सीख पाई थी। अब मैं आसानी से छोटी छोटी गलियों में भी कार ड्राइव कर सकती हूँ। अब कहीं भी गली में भी जाती हूँ तो मुझे पहले रिवर्स करना नहीं आता था, ना पार्किंग करनी, मतलब परफेक्ट नहीं आती थी। अब मैं कहीं चली जाऊँ, जाम में फंस जाऊँ या छोटी गली में भी चली जाऊँ तो बैग गाड़ी आराम से लेकर आ सकती हूँ। अब मुझे अपनी रिविजन का इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि मैं कहीं भी चली जाऊँ तो मैं, मतलब ऐसे नहीं कि आगे जाऊँ फिर पीछे हो, ऐसा कहीं रिवर्स में आकर मैं अपनी गाड़ी बैक कर सकती हूँ बहुत अच्छे से। करनाल में आके मुझे बहुत अच्छे से क्लास मिली है, और जो मैंने 5 दिन की क्लास ली है वो मैंने 3 महीने में नहीं सीख पाई थी, जो मैंने 5 दिन में कवर करी है। यहाँ पर सर ने काफ़ी टाइम अच्छे से क्लास दी है, मतलब व्यवहार भी बहुत अच्छा है, बात करने का तरीका भी इनका, समझाने का आराम से समझाया भी है। गुलफजा अपने घर में केवल एक ही कमाने वाली है। पहले वो 2-व्हीलर पर डिलीवरी किया करती थी, अब कार ड्राइविंग में परफेक्ट होने के बाद ये उनके लिए अपने रोजगार को बेहतर करने का अच्छा ऑप्शन है। ड्राइविंग स्किल जो थी हमारे घर के आर्टिस्ट से सीखने थी, क्योंकि घर मकान वाला कोई नहीं था, हम ही थे जो थे। पहले मैंने 2-व्हीलर में ड्राइविंग की थी डिलीवरी में, अब मैंने 4-व्हीलर चूज़ की क्योंकि इसलिए मैं ज़्यादा करना चाहती थी, जिससे मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करना चाहती थी। वहीं चंचल कहती हैं कि इस पहल का हिस्सा बनने के लिए उनके पति ने उन्हें मोटिवेट किया,
जिसके बाद अब वो खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट मानती हैं। उन्होंने एक लेडीज को गाड़ी चलाते हुए देखा तो उन्होंने सोचा ये लेडीज चला सकती है तो मेरी वाइफ भी चला सकती है, जैसे कि मेरे उससे कमाई से खर्चा चले और मेरी लेडीज की कमाई से जुड़ जावे, इस तरह से। तो उनके दिमाग में आया था मैडम तू गाड़ी क्यों नहीं सीख सकती है, तो मैं उनसे बोली मैं कर लेगी मुझ पर साइकिल तो आती नहीं है तो मैं गाड़ी कहाँ से सीखूँगी, तो ऐसा कुछ नहीं है डर निकाल अपने अंदर से। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फोकस करा तो जो भी हूँ आज मैं अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। कमी थी रिवर्स, मतलब पूरी कमी थी मेरे अंदर, तो सर ने हमें रिवर्स करना सिखाया, पॉइंट सिखाया, पार्किंग कहाँ से करते हैं कहाँ से नहीं करते, पॉइंट हमने वो कैच करे हैं, फिर हमने पार्किंग सीखी है, यहाँ तक बहुत अच्छा गुड लगा। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल वीडियो होंडा की खास पहल के ऊपर। आपको ये कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए देखते रहें लोकल 18।